मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी के साथ में मैं जैसा कि देख पा रही हूँ शंकर प्रसाद महतो जी हैं, तो मैं चाहूंगी जो यस सर, आपको मैंने अनम्यूट किया आप जी। सभी सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज आए यूट्यूब मतलब जूम में 400 पार्टिसिपेट को मेरे ओर से होली का हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय आरसीएम। दिव्या मैम सॉरी निधि मैम से क्वेश्चन सर, मैडम एक आदमी को हमने गामा ओरिजिनल दिया, 6 पीस गामा ओरिजिनल लिया, तो एक आदमी को हमने 2 पीस गामा ओरिजिनल दिया, उसमें से 4 दिन यूज करने के बाद उसका रिप्लाई आया कि उस शरीर में पूरा खुजली होने लगा, तो ऐसा गामा ओरिजिनल से होता है क्या? ओके सर, आपने किस परेशानी के लिए दिया था उन्हें? उनका परेशानी था मैडम, उसका जो शुगर वगैरह बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, और उसमें कैंसर का भी, हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम था। ओके तो उसको दिए तो उस पर 4 दिन के बाद रिप्लाई आया कि उनका मैंने शरीर में खुजलाहट हो रहा है, ऐसा कोई ये ज्यादा नहीं, लेकिन उसको रिप्लाई आया जी सर। देखिए सर, इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक इसका रिपोर्टेड नहीं है। तो आपने उन्हें गामा ओरिजिनल दिया, ये बहुत ही बखूबी करा। देखिए सर, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा मनोभाव किसी नई चीज को इस्तेमाल करने पर यह बनता है कि ये तो कुछ नया है और हो सकता है कि इससे हमें साइड इफेक्ट हो, तो यही सोच सोच कर व्यक्ति के अंदर ये ऐसी चीजें उत्पन्न होती है। साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमारी बॉडी हील होती होती है, यानी जो हीलिंग की प्रोसेस होती है, चाहे वो गामा ओरिजिनल के माध्यम से हो या फिर नेचुरोपैथी के माध्यम से हो, हर एक मेडिसिनल थेरेपी के माध्यम से हमारी बॉडी कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है। और यही रिएक्शन अगर आप देखें, ये सही होने के रिएक्शन भी होते हैं। जैसे हमारी कभी बीमारी सही होती है तो हमें बुखार आता है या फिर हमें कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, तो आप उन्हें कहें कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं, गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल आप प्रतिदिन करें, कम से कम 3 महीने तक तो करें, और अगर आपको ऐसा रिजल्ट नहीं दिखाई देगा तो फिर आप आगे इस्तेमाल ना करें, लेकिन 3 महीने तक तो कम से कम करें और अपने रिजल्ट को फिर चेक करें। तो आप उन्हें इस प्रकार से मोटिवेट करें सर, और उन्हें डॉक्टर्स की वीडियो भी दिखाएं जिसमें साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं सर। इसी के साथ मैं देख पा रही हूँ छोटू HV को मैं अनम्यूट कर रही हूँ सर, आप बता। जी नमस्ते, जय श्याम मैम। जय श्याम सर। मैम ये बताइए, एक महिला थी, उनको मतलब थायराइड उनका बढ़ा हुआ था और ये फैट बढ़ा हुआ था, वो ज्यादा चलने में समस्या हो रही थी। इसके बाद उनको बताया गया तो हम गामा ओरिजिनल लेकर आए, उनको 1 पीस दिए। इसके बाद लगभग 10 दिन यूज की, उनका बाल झड़ने लगा मैम। गामा ओरिजिनल के इस्तेमाल करने से सर उनके बाल झड़ने लगे, उसके बाद से ही उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बाल झड़ रहे हैं? जी जी, यही बोल रहे हैं कि भैया जब से हम यूज कर रहे हैं उसे, तब से मेरा बाल झड़ने लगा है। अच्छा, देखिए सर, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए सर, क्या होता है कि बाल झड़ना कभी कभी बहुत नेचुरल प्रोसेस होती है। ऐसा स्टडीज में साफ तौर पर माना गया है कि अगर आपको प्रतिदिन 100 बाल भी झड़ते हैं तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही कॉमन चीज होती है, ये कोई बीमारी का सिम्टम नहीं होता है। तो आप उन्हें कहें कि गामा ओरिजिनल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उनको वीडियो दिखाएं, डॉक्टर्स की वीडियो दिखाएं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि गामा ओरिजिनल का अभी तक कोई भी रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है, चाहे वो बाल झड़ने की प्रक्रिया हो या फिर कोई भी प्रक्रिया हो, अभी तक इसकी कोई प्रमाणित नहीं है। तो आप उन्हें बताएं कि गामा ओरिजिनल का निरंतर इस्तेमाल करके तो देखिए 3 महीने तक, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो न्यूट्रिशन के तौर पे हम ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन के तौर पे भी आप लें कि आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो आप इस प्रकार से इस्तेमाल करें और उनको स्टार्टिंग की रिपोर्ट और एंडिंग की रिपोर्ट, यानी जब से आपने शुरुआत की है उनकी रिपोर्ट्स को उस वक्त के लिए आप फोटो रखें उनकी, और 3 महीने बाद जब वो अपने थायराइड का दोबारा टेस्ट करवाएंगी तब की रिपोर्ट रखिएगा, और उनको सिग्निफिकेंट चेंजेस आप दिखाइएगा कि देखिए आपकी रिपोर्ट में इतने चेंजेस आए हैं। इसका निरंतर इस्तेमाल करते रहें, बाल झड़ने की प्रक्रिया भी कम होगी सर इससे, उनको इस प्रकार से कहें, और इस पे विश्वास करना जरूरी है सबसे पहला काम। जी जी, मैं वो बोल रही थी मतलब किसी डॉक्टर को दिखा ले, हम बाल जो झड़ रहा है, हम कहें भाई भी दवा बंद कर दीजिए, अगर इससे कोई दिक्कत है तो दिखा सकती हैं?
डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाएं। और अगर वह चाहती हैं कि डॉक्टर से अगर वह प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहती हैं गामा ओरिजिनॉल का, तो उनको कहें कि डॉक्टर को अगर नहीं पता है तो आप डॉक्टर बुक का इस्तेमाल करें, डॉक्टर बुक और डॉक्टर्स की जो वीडियो है उनको दिखाएं, और उनको कहें कि सर हम ये न्यूट्रोसूटिकल ले रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल करना सेफ है। तो जब हम इस प्रकार से उनको बताएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर भी अवेयर होंगे, साथ साथ पेशेंट भी अवेयर होंगे। तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं सर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ टाइम हो चुका है, लेकिन एक दो लोगों को मैं लूंगी। सूर्या देवी माली है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। मैडम आप, हाँ बताइए मैडम। मैम नमस्कार, जय आर श्याम। मेरे को बोलने का मौका दिया मैम, हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ मैम। और मैं, मेरा सवाल ये था, 7 साल का बच्चा है, उनको शुक्र शुक्र बहुत है, 300-400, 350 रहता है, तो उन्हों गामा दे सकते हैं मैम? देखिए मैम, बच्चों को गामा देना थोड़ा ये हमारे लेबलिंग लॉज के अनुसार कहा जाता है कि 18 साल से नीचे के बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेनी होगी। बात ये नहीं है कि वो सेफ नहीं है, सेफ है, इसका इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसकी डोजेस में प्रॉब्लम है मैम कि डोजेस कितनी दें हम बच्चों को, क्योंकि जो प्रमाणित 300 mg की डोजेस है वो एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए कितनी डोजेस की नीड है उसके लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे पूछें कि ये न्यूट्रोसूटिकल है, इसका इस्तेमाल हम बच्चे को करवाना चाहते हैं, इसकी कितनी डोजेस हमें देनी चाहिए, आप इस प्रकार से उनसे पूछिएगा, तो वो आपको डोजेस बता देंगे और उसके बाद आप उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। वही मैम, मेरे हस्बैंड ले रहे, वो तो बहुत रिजल्ट आया, उन्होंने भी शुक्र का था, वो तो बहुत रिजल्ट आया, बच्चे को भी है, वो दूसरे बच्चे है मेरे भांजा है, तो उन्होंने भी शुक्र है, तो राजस्थान में, तो वो बोले मैं तो मैं बोलती मैम को पूछ के आपको उनको बता सकते जी मैम। तो आप उनको इस्तेमाल करवाएं, बेहतरीन रिजल्ट है इसके, बच्चों में शुगर की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, लेकिन उसके डोजेस के लिए आपको बस डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी होगी, वो आपको बताएंगे, और उसके बाद आप निरंतरता के साथ उनको इस्तेमाल करवाएं मैम। थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं सुमन कुमारी जी को लास्ट में उनका अनम्यूट कर रही हूँ मैडम, क्योंकि हम अपना टाइम हो चुका है, 2:20 हो चुका है, आप एक बार। हाँ सुमन कुमारी मैडम। हेलो जे आर सी मैम, मेरा नाम सुमन कुमारी, मैं ढूंढी से हूँ, और मेरा एक क्वेश्चन है कि एक शुगर पेशेंट है 10 साल से शुगर, क्या उसको गामा ऑप्शन दे सकते हैं? जी मैम आप दे सकते हैं, अभी अभी हमने जिससे बात की कि शुगर के पेशेंट्स पे भी बेहतरीन काम करता है, तो आप जैसे बता रहे हैं कि 10 साल से परेशानी है, तो आप उनकी थोड़ी डोजेस बढ़ाइएगा, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, खाना खाने के जस्ट पहले इस प्रकार से सेवन करवाएं। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा विनोद शर्मा जी, शायद से आपका हैंड रेस डिजिटल और फिजिकल भी हो रहा है, तो चलिए एक एक मिनट के लिए बताइए मैडम। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैडम। नमस्ते, मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे बगल में दीदी बैठी है, तो इनका थायराइड बढ़ी हुई है, तो एक बार हम दिए थे ना 1 महीना पहले इनको गामा ओरिजिनल, तो उसको खाने के बाद थोड़ा सा शरीर में सूजन आ गया था और थोड़ा खुजलाहट भी हो रही थी, तो इधर से के बारे खाना बंद कर दी थी, क्या इनका सजेशन क्या रहेगा? देखिए मैम, सजेशन यही रहेगा कि आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें मैम, थायराइड पे बेहतरीन तरीके से काम करता है ये, थायराइड की मात्रा को कम करता है, आपके ये जो थायराइड के हार्मोन है जो डिसबैलेंस हो रखे हैं उनको संचालित करने में मदद करता है, तो आप इसका इस्तेमाल निरंतर करें मैम, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर्स के माध्यम से जो एलोपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं वह इस बात को कह रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इनकी बात माने मैम। और साथ साथ जो आप बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सूजन फील हुई या फिर आपको थोड़ा सा खुजली महसूस हुई मैम, कभी कभी हमारे मनोभाव के कारण भी होता है, तो आप इस पे विश्वास करें, आप निरंतरता के साथ इसको 3 महीने के लिए इस्तेमाल करें, 3 से 5 महीने आप इस्तेमाल तो करके देखें मैम, इसका रिजल्ट आपको अपने आप ही पता चलेगा। वजन भी इनका बढ़ा हुआ? जी मैम, वजन घटाने में मदद करेगा ये, वजन भी घटाएगा, सूजन भी कम करता है ये, इसके अंदर ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं मैम। सांस इनका फूलता है, बोलिए ना, सांस भी फूलता है इनका? जी मैम, तो देखिए सांस फूलने की भी समस्या अगर आप देखें तो ये हमारी लंग्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कम होने के कारण होती है, तो आप इसको भी सही कर सकते हैं, क्योंकि कई अस्थमा के पेशेंट्स को ये गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से सही किया गया है मैम, आप सभी प्रॉब्लम्स का ये निजात है, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको। रोज इनका 2 कैप्सूल रहे ना कि एक ही टेक कैप्सूल सुबह शाम?
मैम इनकी डोजेस तो इनके टाइमिंग पे डिपेंड करता है मैम, कब से इनको समस्याएं हैं? समस्या तो हमको लगता है कि 6 महीना से ऊपर है, लेकिन ये इधर फिलहाल जांच नहीं करवाई है। ओके, तो आप इनको एक एक गोली से ही स्टार्ट करें, यानी एक गोली सुबह एक गोली शाम पर, दो डोजेस इनकी प्रतिदिन रखें मैम। और खाना खाने से पहले लेना है आपको, सुबह नाश्ते से पहले, रात को खाना खाने से। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मैं समय की नजाकत को देखते हुए आप लोगों से माफी मांगूंगी कि 2:25 होने जा रहा है, कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया है, तो मैं माफी चाहूंगी कि और लोगों का सवाल अगर है तो कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगी और ये प्रोग्राम को एंड करने की इजाजत चाहूंगी कल्याणी मैडम से। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को जरूर से बोलूंगी, जो RCM बिजनेस नहीं है ये, पहले भी मैंने बोला जो ये बहुत ही प्रोडक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सही है, और मैं आप लोगों के सामने में जीता जागता एक उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। और मैं एक छोटे से शब्द में कहना चाहूंगी, जो ये सामान नहीं है सम्मान है, खरीदारी नहीं खुददारी है, प्रोडक्ट नहीं ये प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, जो आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक सुना।